नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसपी के आदेश के बाद भिवाड़ी में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, काली फिल्म वाली कारों सहित कई बाइकों के काटे चालान। विधायक मामन यादव ने किया यीशु होटल का उद्घाटन, कहरानी गांव में किया होटल का उद्घाटन। और खबर 24 की टीम ने की विवाड़ी की समस्याओं पर तेजारा विधायक मामन यादव से बात। विधायक ने कहा अमृत योजना में हो जाएगा विवाड़ी का कायाकल्प। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सीमा से सटे भिवाड़ी में हर रोज हजारों की संख्या में वाहन दोनों प्रदेशों में आगमन करते हैं। इन वाहनों में ज्यादातर वाहनों को या तो यातायात के नियमों को तोड़ते देखा जाता है या फिर जानबूझकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते दिखा जाएगा। भिवाड़ी पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों को सबक सिखाने और नियमों के पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। एसपी के आदेश पर भिवाड़ी फूलबाग थाना प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में रिको चौक और नीलम चौक के बीच पुलिस जाब्ते ने कई वाहनों को रोककर उनके चालान काटे। ट्रैफिक पुलिस ने एक हरियाणा नंबर की ऑल्टो कार का भी चालान काट कार्रवाई की। बता दें कि कार पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसे पुलिस ने रोककर उसकी काली फिल्म उतार कर चालान काट दिया। कार्रवाई के दौरान फूलबाग थाना प्रभारी महावीर सिंह, एसआई विनोद सावरिया, ट्रैफिक इंचार्ज ईश्वर सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चेकिंग अभियान हमारा डेली का हिस्सा है। एमपीए की कार्रवाई कर रहे हैं, संदिग्ध वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिनके काली फिल्म खड़ी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और इस तरह बिना कागजों के अभाव में कोई गाड़ी चल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई। जो पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ उसके तहत चेकिंग है या कुछ? ये तो हमारी रूटीन की चेकिंग है। सर, ये जो अब तक कितनी गाड़ियाँ ऐसी आप पकड़ चुके हैं जिनका काली फिल्म दिखाई देती है गाड़ी में? ये अभियान शुरू ही हुआ है, आपको। खबरें 24 की टीम ने तिजारा विधायक मामन सिंह यादव से भिवाड़ी की समस्या पर बात की। वहीं सफाई व्यवस्था पर सफाई देते हुए विधायक ने कहा कि हमने भिवाड़ी को अमृत योजना से जोड़ दिया है। तिजारा विधायक मामन यादव ने खबरें 24 की टीम से भिवाड़ी की गंभीर समस्याओं पर बात की। भिवाड़ी में फैली चारों तरफ गंदगी के सवाल पर सफाई देते हुए विधायक ने अपनी ही शान में कसीदे गड़े। विधायक ने कहा कि भिवाड़ी अमृत योजना में शामिल हो चुका है। विधायक ने कहा कि अमृत योजना के बजट को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे शहर में सीवरेज पार्कों के साथ साथ कई काम किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भिवाड़ी में लगने वाले जाम के सवाल पर विधायक ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का बजट भिवाड़ी के लिए पारित किया है। इस बजट से भिवाड़ी में कई फ्लाईओवरों का निर्माण जल्द कराया जाएगा। इसके बाद जब विधायक जी से पूछा गया कि भिवाड़ी की जनता सालों से भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग कर रही है, तो उन्होंने बिना देरी किए भिवाड़ी को जिला बनाने की बात कही, लेकिन कब तक बनेगा इसका शायद नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ और स्वच्छ भारत अभियान और हमारे मुख्यमंत्री राज्य ने चला रखा, इसके अंदर आप जो भिवाड़ी की बात कर रहे हैं, भिवाड़ी नहीं राजस्थान में पूरे की सफाई विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में। हमारे मुख्यमंत्री ने अभी आपने देखा होगा कि जयपुर शहर को इतना स्वच्छ बनाया है, जो एक मिसाल है पूरे वर्ल्ड में। पिछले राजस्थान हुआ था सभी जगह वो सफाई। भिवाड़ी क्षेत्र की बात, जो नगर परिषद की जो 19 गाँव उनके लिए अभी हाल ही में हमने दो तीन महीने पहले हमने अरब साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था, नगर परिषद सभापति संजीव दायमा था, और हमने एक प्लानिंग तैयार करवा के सभी हर विभाग के अधिकारी थे,
325 जिसको 29 जो शहर अमृत योजना में जो लिए हैं राजस्थान, उसके अंदर भिवाड़ी को लिया है और उसमें 325 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, इसके प्रपोजल बढ़ा के भेज दिए गए। उसमें 115 करोड़ की किस्त तो जारी हो चुकी है जो 15 दिन तक है, जो अभी बहुत ही निकट में आ जाएगी। और उसके बाद में सीवर लाइनें, सफाई अभियान पूरे क्षेत्र में 19 गाँव में सीवर लाइन काम सब चालू। शुद्ध पेयजल योजना के लिए 58 करोड़ पहले से ही मंजूर है, उनके टेंडर हो गए हैं, अब टेंडर पास हो गए, अभी वर्क ऑर्डर होकर वो बहुत ही शीघ्र काम चालू हो रहा है। तो ये कोई भी योजनाएं या कोई प्लानिंग बनाने से घोषणा करने के बाद उसकी प्लानिंग तैयार होती है, बजट आवंटित होता है, उसके बाद कार्य होते हैं। तो अभी तो घोषणा हुई है, चल रहा है काम। अब आप ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आप 16 और 17 दो सालों में आप ये देखोगे कि भिवाड़ी एक आदर्श जगह बन गई है और बिल्कुल स्वच्छ स्वस्थ इतना क्लीन शहर हो जाएगा। और ब्रिज बनेंगे, सभी जगह सीवर लाइनें होगी जिसमें सभी गांव आ गए, चौपारी वगैरह के भी आपके खुसकेड़ा भी पूरा एरिया जो तो। सर भिवाड़ी की बात करें, आप तिजारा विधानसभा के प्रतिनिधि तो भिवाड़ी की आप बात करें, भिवाड़ी वहाँ पर देख रहे हैं कितने कूड़े के ढेर हैं। मैं ये बता तो रहा हूँ है वो बात ठीक है आपका, लेकिन उसके लिए ही तो व्यवस्था की है ना। अब 325 करोड़ रुपए कम नहीं होते, 325 करोड़ का जो बजट आवंटित किया है इसमें 115 करोड़ तो आवंटित हो चुके हैं, किस्त जारी हो चुकी है, जो बहुत जल्दी काम चालू उनका टेंडर होकर के काम चालू हो जाएगा। और पूरा सीवर लाइन में जब पानी से ही तो गंदगी होती है और वो सारा, और नगर परिषद वैसे कूड़ा का जिनका काम चल रहा है ट्रैक्टर भी लगा रखे सफाई अभियान। भिवाड़ी की जो इंडस्ट्री का जो पानी निकलता है 99% उसका सेंट्रल फेल, उसके उसके लिए भी 68 करोड़ रुपया हर महीना, उसके लिए भी मेरी रेणुवा साहब मंत्री महोदय से बात हुई और उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ चल रहा है और एक ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत करने की योजना है, उसको हम बहुत जल्दी एक दिन और मंत्री जी को मैं बुलाऊँगा यहाँ या करके इनको इंडस्ट्री वालों को सबकी मीटिंग भी करेंगे। और इस पर अभी जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने दो ही पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड कार्यालय की जो दो ही स्वीकृत की थी, एक भिवाड़ी में और एक जयपुर में, तो वो अब चालू हो गया है। उसके अंदर आयुक्त अभी बहुत शीघ्र ही आयुक्त लग जाएगा, कि वो लगने के बाद इस पर बिल्कुल सख्ती करेंगे, जो भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जो भी कंपनियाँ पानी का दूषित पानी को अगर बाहर निकाल दें ट्रीटमेंट के बिना बाहर निकालें, उन पर उनको जाँच करवाएंगे, उन कार्रवाई करेंगे। राजस्थान सरकार जिस तरह से आपने कहा था कि यहाँ पे बीड़ा आएगा, तो अभी तक नहीं आया, क्या वो बीड़ा आने वाला था भिवाड़ी में, बीड़ा समझ नहीं आया, नहीं बीड़ा तो सारी जो कंपनियाँ इंडस्ट्री है या रिको है या UIT है उसके ऊपर एक बीड़ा आप लोग सरकार ने ये बीड़ा संस्था को अवॉर्ड कराया कि भिवाड़ी में बैठना हो, वो चल रहा है मामला, वो तो अभी से नहीं बैठ पाया, बाकी मैं बात करूँगा दो मंत्री सिंह से, इनसे बात करें, सारी व्यवस्था करेंगे। दो साल का समय दे दो, केवल दो साल में काया पलट हो जाएगा भिवाड़ी क्षेत्र में। सर जिस तरह इतना बजट हो गया, बजट से ही पैसे से तो काम होता है, जिस तरह से लग रहा है कि क्या तिजारा विधानसभा में अभी कायाव चल रही है कि बहरोड को जिला बनाया, नीमड़ा को जिला बनाया, यहाँ पे आपकी सरकार ने ग्रामीण SPP की आपने कहा मैं था, आपको, लेकिन अभी तक कुछ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे बहरोड की कहर, चाहे मुडावर की कहर, चाहे और नीमड़ा कहर, जिला बनेगा तो भिवाड़ी बनेगा, ये तय समझ लेना। भिवाड़ी ही ये उपयुक्त जगह है और इतनी ज़्यादा आबादी जो करीब 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है इस समय, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा किसी अभी उठाए नहीं, बहरोड़ क्षेत्र में लोग उठा रहे हैं या तिजारा विधानसभा से, विधानसभा जब चलेगी जब उठाएंगे तो नहीं उठा रहे कोई बात नहीं, ये पहले से यहाँ से प्लानिंग तैयार, वो तो ये कोई जापानी कंपनी है, उन कंपनी वालों ने थोड़ा सा उठाया तक नहीं बनाना बनना चाहिए, बाकी किसी ने नहीं कहा, अब उनके कहने से कोई जिला थोड़ी बनता है, जिला तो आवाम जो बोलेगा, आम जनता बोलेगी, आम जनता से कहेगी वो बनेगा, भिवाड़ी बनेगा। SP की जो SP की बात प्रपोजल बना था पहले, वो चल रहा है, उस बारे में CM साहब से भी हमने निवेदन किया है, तो उस बारे में मॉनिटरिंग चल रही है पूरा, यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी तैयार जल्दी हो रहा है पुलिस का, जिसके अंदर जैसे पुलिस लाइन होती है ना, इस तरह से कंट्रोल रूम होगा जिसमें 200-300 कर्मी एडवांस रहेंगे ताकि क्राइम में अंकुश के लिए। भिवाड़ी में मैं जो समस्या सबसे बड़ी चीज़ है जाम की, आप देखते होंगे भिवाड़ी मोड़ है, वो जाम वो 325 करोड़ में और ब्रिज में है उस, और वो जो वहाँ से ये मोड़ है वहाँ से और इधर फूलबाग के आगे तक
यहाँ तक ये और ब्रिज बनने का भी बात है, तो वो जब हो जाएगा साफ अपना हो जाएगा। सर वर्षों बीत जाएंगे इसको तो? नहीं वर्षों नहीं, दो साल में पूरा हो जाएगा। ये 325 करोड़ रुपए 16-17 दो वर्षों में इसका सब सरकार चेंज होती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। सरकार तो 18 तक तो सरकार हमारी है, आगे भी हमारी बनेगी, तो ये तो पहले ही हो जाना है। ये जो बाईपास खोरी से लेके और सीधा ये इंडर ये अपना पावर ग्रेड के सामने जो बाईपास खोरी पावर मोड़ना होते रामपुर मोड़ना होते हुआ बाईपास सिक्योर हुआ है उसका भी बारे में? उसका अभी चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है, चल रहा है, वो बन जाएगा तो अपना आप ही समस्या हो जाएगा। और क्या सरकारी योजना लेके आ रही है आप? अभी आपने दो साल का जश्न मनाया, उसमें क्या आपने दो साल के कार्य तो जो आपको मिला होगा मेरा एजेंडा, इतने काम किए ऐसा कोई गाँव वार्ड ढाणी जो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद दो वर्षों में काम हुए, मोटे मोटे काम हुए। 325 करोड़ का यहाँ बजट, 58 करोड़ का पानी का जो टेंडर हो गए बहुत शीघ्र, पूरा पेयजल शुद्ध पेयजल इन 19 गांवों को मिला, ग्रामीण क्षेत्रों में गोरा ऊपर पंचायतें बनाई 11। पहले UIT में इधर बैरो और मुडा और नीबराना इधर पैसे जा जाते थे, अब अपने इस क्षेत्र में ही 54 करोड़ का इन दो सालों में विकास कार्य, सड़कें नालियाँ लाइटें ये हो चुकी है। इधर PW से हमने करीब 45-50 करोड़ का काम करा चुके हैं। गोरखपथ 8 पंचायतों बड़ी बड़ी पंचायतों वो जिनका काम पूरा हो चुका है। तिजारा में नर्सिंग कॉलेज स्थापित उसका सेंक्शन करा दिया है जिसका 5 करोड़ रुपये मंजूर हो गए, 8 करोड़ रुपये वहाँ के जो कॉलेज है उस कॉलेज के लिए सेंक्शन हो गए। जो काम चल रहा है, जो काम अभी बस पूरा होने वाला है जनवरी में, उसके बाद हम करके ऐसा क्यों है कि BJP में आपस में नेता कटास करते हैं? पिछले दौरान भी वीडियो वायरल हुआ कि धर्मपाल और जसवंत का आपस में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो आप अखबार वाले ही एक जरा सी बात गुजरा, अब छोटी मोटी कोई बात थी आपस की बात थी और वो फिर उनका अपना मामला है, वो सीनियर लीडर है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, इजारा में बिल्कुल सब कार्यकर्ता सब पदाधिकारी सब मिलजुल कर मेरे और मैं तो सबका सिर्फ नेताओं का सबका सम्मान करता हूँ, सबके साथ मिलजुल कर चलता हूँ, अपने किसी का दोस्त फायदे नहीं और सारा काम बहुत इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारे काम चल रहा है। 4 करोड़ का वहाँ पर छात्रावास अपन ने बनवाया है इजारा के अंदर, लड़कियों का जो गरीब लड़कियाँ लोगों की लड़कियाँ उसमें उसी में निवास करेगी, जो पूरा खाना वाना सब उनको मिलेगा। बड़े कॉम्प्लेक्स 2 तिजारा में हो गए, IIT का जो 16 ट्रेड है वो काम चल रहा है, तो यहाँ तिजारा में तो इतनी गति चल रही है, प्रत्येक गांव के अंदर काम चल रहा है। अभी 10 किलोमीटर 10-12 गांव में मिसिंग लिंक जाओ अभी उद्घाटन हमने किया है, डामरीकरण का काम जो अभी 4 करोड़ का पिछली बार करा था अब 6-7 करोड़ का मंजूर हो गया है। ये इधर जो हरियाणा बॉर्डर उधनवास में जो बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा था, जो पुलिया भी टूटा पड़ा है, जो सीमा को निकलने में वहाँ दिक्कत हो रही थी यहाँ के मेवात क्षेत्र को, वहाँ 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया जिसमें पुलिया बनेगा और वो रोड भी सही होकर के वो निकासी जो दूसरे स्टेट में निकासी के लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। 2 करोड़ का भी बजट आवंटित किया, उसकी टेंडर लग गए, काम की कोई कमी नहीं है। 2 साल के अंदर मैंने विजन दिया है अपना, कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी दिया है, 590 करोड़ तक का काम या तो हो चुका है या उसका सैंक्शन हो गया या टेंडर हो गया, इतने काम हो चुके नगर परिषद में। आप देखो जब 2 साल से बढ़े, पहले BJP का राज नहीं था, नगर परिषद तो हमारी थी लेकिन दुरुमिया काम में अड़ंगा डालता था, लेकिन अब BJP बनने के बाद 2 साल आप देखा होगा जगह जगह नालियाँ सड़कों का लाइटों का LED लाइट, अब 5,000 LED लाइट लगे भिवाड़ी क्षेत्र में, तिजारा के अंदर रोडों पर सब पे रोड लाइटें लग चुकी 62 लाख की, तो वो सब हो चुका है। तो सब जगह कस्बों में भी बड़े बड़े जो धर्म स्थल है उनके अंदर भी मास लाइट हमने UIT से लगवाई, तो पूरा तरीके से विकास की गंगा बह रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेवात विकास बोर्ड की बात करूं तो अब से पहले पिछले साल 2 साल से पहले 1.5 करोड़ से ज़्यादा कभी भी कोई नेता मेवात विकास बोर्ड को पैसे नहीं लाया, मैं 10 करोड़ पिछली बार लाया और 10 करोड़ अब के लाया और जो मेवात क्षेत्र के काम गाँव में लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, तिजारा विधायक मामन यादव ने कहरानी गांव में इशु होटल एंड रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। विधायक ने रिबन काटकर होटल का श्री गणेश किया। कहरानी गांव में इशु होटल एंड रेस्टोरेंट का तिजारा विधायक मामन यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान तिजारा विधायक का होटल की ओर से जोरदार स्वागत किया गया, वहीं विधायक के साथ तिजारा प्रधान भी मौजूद रहे। श्रीराम ज्वेलर्स द्वारा भिवाड़ी धारोड़ा क्षेत्र की जनता के लिए अनूठी पहल की है।
श्री श्याम ज्वेलर्स की ओर से गोल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। श्री श्याम ज्वेलर्स की ओर से भिवाड़ी धारवाड़ा की जनता के लिए 3 दिवसीय गोल्ड एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन 8, 9 और 10 जनवरी तक चलेगा। इसमें गिली, डिडमॉस, नक्षत्रा, अस्मी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। एग्जीबिशन की खास बात यह है कि यहाँ से खरीदी गई हर ज्वेलरी पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा। सर, हमारे यहाँ पर सर पहली बार धारवाड़ा में 8, 9, 10 तारीख को गीतांजलि डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन है, जिसमें अस्मी, नक्षत्र, डिडमॉस, गिली, मेंज डायमंड ज्वेलरी पर 10% से लेकर 25% तक का डिस्काउंट है। तो और क्या फैसिलिटी रखे, जो पहली बार लगा रहे हैं आप, पहले भी लगा चुके हैं इस तरह? जी सर, ये हमारे यहाँ पर पहली बार हो रहा है धारणा में। ये कहाँ पे लग रहा है? ये यहाँ पर हमारे शोरूम पर श्री श्याम ज्वेलर्स पर ही एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। तो ये और कंपनी से कोई डायमंड के कोई एक्सपर्ट आएंगे या फिर आप लोग इस तरह? हम ही करेंगे, और कंपनी से जो स्टाफ है वो आएगा यहाँ पर, पूरे स्टाफ आएगा। तो क्या लगता है किस तरह से आप लोगों को आपने इसको? सर हमने सर प्रबंध सर इस हिसाब से किया है कि भाई लोगों को पैम्पलेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एसएमएस के थ्रू भी और होर्डिंग बैनर्स के थ्रू भी। किशनगढ़वास में प्रसिद्ध समाज सेवी देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैनी महासभा के जिला मंत्री मुकेश सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले का अनुसरण करते हुए समाज में बालिका शिक्षा को प्रमुखता देने की बहुत आवश्यकता है। बालिका शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव है। किशनगढ़ में मंत्री मुकेश सैनी के नेतृत्व में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सैनी महासभा के जिला मंत्री मुकेश सैनी ने कहा कि सावित्री बाई फुले का अनुसरण करते हुए समाज में बालिका शिक्षा को प्रमुखता देने की आवश्यकता है। बालिका शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव है। कार्यक्रम का शुभारंभ सावित्री बाई फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई प्रबुद्धजनों ने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह सैनी, लागाराम सैनी, माता दीन सैनी, पार्षद अमर सिंह सैनी, दिनेश सैनी, गोवर्धन सैनी, विजय सैनी, शेखर सैनी, सुभाष सैनी, गिरिराज सैनी सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसपी के आदेश के बाद भिवाड़ी में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, काली फिल्म वाली कारों सहित कई बाइकों के काटे चालान। विधायक मामन यादव ने किया ईशु होटल का उद्घाटन, कहरानी गांव में किया होटल का उद्घाटन। और खबर 24 की टीम ने की विवाड़ी की समस्याओं पर तेजारा विधायक मामन यादव से बात। विधायक ने कहा अमृत योजना में हो जाएगा विवाड़ी का कायाकल्प। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।